और मैं आपके लिए हमेशा की तरह ऐसी ऐसी सेलिब्रिटीज़ को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जैसे सितारों के मोहताज हैं। मुझे भी आप लोग बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा कली कली पता पता बूटा बूटा जानता है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट जावेद अख्तर नाम, जिसके बारे में कहा जाता है कि चुमारी चिन्नानी रणो जय रानी विद्रोह हिंदानी इससे क्यों मैं तेज से पानी को हाजिर आवाज पहनो ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, इंशाल्लाह हम अपने वतन प्यारे वतन पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का जो चौहत्तरवा जो जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, हम इसको जोश और खरोश से मनाएंगे। इस वक्त मैं एक होटल में मौजूद हूँ, यहाँ पर मेरे तमाम दोस्त एहबाब, तमाम मेरे छोटे भाई बच्चे दोस्त साथी सारे बैठे हैं, तो मैं बारी बारी इनका तारुफ भी कराऊंगा, बल्कि वो खुद ही तारुफ कराएं तो अच्छी बात है। और आप लोग देखेंगे कि उन्होंने जश्न आज़ादी के बारे में क्या तैयारियां की है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो फनकार फ्रेंड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और खास के लिए खिदमत कमेटी के रूह रवा भी है, हमारे साथ हैं। आइए उनसे मिलते हैं, रिजवान खास के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, क्या हाल है? अल्लाह के करम है, आप खैरियत से? और सब फ्रेंड्स कैसे हैं? तबीयत ठीक है। मैं हूँ रिजवान खास के लिए और हम यहाँ बैठे हुए जश्न आज़ादी के प्रोग्राम के लिए तरतीब दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह मनाई जाए। वाह। तो हमने भी प्लान बनाया है कि पहले तो हमने सोचा था कि हम आतिशबाजी करेंगे, हमने वो कैंसिल कर दिया। अच्छा। फिर हमने सोचा देख बनाएंगे, वो भी हमने कैंसिल कर दिया। अभी हमने सोचा है कि आज़ादी के मौके पर किसी गरीबों की मदद की जाए। वंडरफुल, वेरी नाइस, फंटास्टिक, ये बहुत ही बेहतरीन काम है और जावेद टाकर इसमें हर दम हर पल हर लम्हे आपके साथ साथ है। तो दोस्तों साथियों, हम रिजवान साहब से पूछेंगे कि आपने जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने घर पर झंडा लगाया? जी बेशक लगाया, घर पे लगाया, छत पे लगाया, हर जगह लगा चुके हैं झंडा। और अब जिस होटल में बैठे हैं वहाँ भी तैयारी है झंडा लगाने की। वाह, वेरी नाइस, फंटास्टिक। सरकार ये थे हमारे खिदमत में हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे साथी रिजवान खास के लिए, जो आपके खूबसूरत जज्बात से आप लोगों को आगाह कर रहे थे। एक और हमारे दोस्त प्यारे हर दिल अजीज दोस्त हमारे पीछे बैठे हुए, बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक अजीम खास के लिए आपके साथ मौजूद है। आइए अजीम खास के लिए, नाजरीन या अजीम खास के लिए जिनको बात करना नहीं आता, वैसे तो बहुत फटाके मारते हैं, पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, इसके बदले में ये रिजवान भाई आप कुछ कहेंगे? बस हम क्या कहें, ये कुछ हमारे दोस्त हैं, वैसे बातें बहुत करते हैं पर जब लाइफ आते हैं तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनका थोड़ा जज्बा ख़त्म हो चुका है, इनका हम जज्बा बढ़ाएंगे 14 अगस्त आएगा। जी दोस्तों, हमारे साथ समीर भी मौजूद है। समीर एक बहुत ही होनहार बच्चा है, मेरा बहन का बेटा है और बहुत ही हर दिल अजीज है, बहुत काम करने वाला, बहुत मेहनती बच्चा है और ये एक तरह से हम खास करियों में ये साइंसदान है। समीर क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, खुश हैं? अच्छा, आप ये बताएं, आपने जश्न आज़ादी के क्या तैयारियाँ की है? क्या की है मसल? अरे वाह, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी दोस्तों साथियों, सजनों के बेलियों, हम यहाँ पर मौजूद ही है, हमारे साथ एक और दोस्त बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम कबीर है। हाँ, और कबीर खास के लिए? मेमन। कबीर मेमन। अच्छा कबीर मेमन साहब, आप ये बताएं कि आपने जश्न आज़ादी की क्या तैयारी की है? माशाल्लाह से हमने अपनी पूरी गली घर पे, हमारे मामू है, खूब तैयारी चल रही है, अभी तक माशाल्लाह से चल ही रही है। वंडरफुल, वेरी नाइस। इंशाल्लाह भी रिजवान भाई के साथ आगे काम करना है इलाके में अपने, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ साथ हैं। ये देश हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी। और ये हमारे साथ एक और
शरारती बच्चा मौजूद है जी, अपना तारुफ करें। जी मैं ग्राम से हूँ, मैं खास के लिए नौ गली में रहता हूँ, शहर का काम करता हूँ। अच्छा, जश्न आज़ादी के बारे में आप बताएं, आपने क्या तैयारी की है? मैंने कपड़े लेके रखे, कल ही परसों पहनूंगा। नहीं कपड़े नहीं, वो झंडे अपने झंडे लगाए भी लगाई है। और आप पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जश्न आज़ादी जी दोस्तों साथियों सज्जनों के बेले, मैं हूँ आपका भाई आपका दोस्त जुमानी छंडानी रणू जय रानी गिद्रो हिंदानी एक पानी को हाजरा मान पर जो मिस्टर ट्रागणी। तो आप लोग देख रहे हैं कुछ मेरे दोस्त शर्मिंदा से हैं, धका द लाड़ द फड़े अगा द चिकने दाड़ वाले दादा मैं सगड़ दा यो चेना करा का। तो एक और हमारे दोस्त हमारे साथी हमारे साथ है जी, आप अपना मुस्तफ़ा मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इधर देखें, शाबाश। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? 14 अगस्त जश्न आज़ादी का प्रोग्राम जो हो रहा है वो 74 सालों का पाकिस्तान हो गया, आप क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है 74 साल का पाकिस्तान हो गया। आपने क्या तैयारी की? वंडरफुल वेरी नाइस फंटास्टिक। दोस्तों साथियों हम सब पाकिस्तानी, हम सबका फर्ज है कि हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की खिदमत में कोई कसर ना उठा रखे। इस वक्त हमारे सामने एक और खूबसूरत से नौजवान जी, आपका नाम अब्दुल्ला खास के लिए आपने जश्न आज़ादी की क्या तैयारी की है? सारी क्या तैयारी की जी। दोस्तों साथियों मैं हूँ आपका भाई आपका दोस्त जावेद काकानी, और ये जो झंडे, ये जो पाकिस्तान का झंडा है इसमें जो डंडा है वो हमारा है, और हम अपने वतन से अपने देश से अपनी धरती से बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये एक और हमारे अब्दुल अजीज दोस्त साथी, अपना तारुफ कराओ। क्या तारुफ करा क्या बोले साथियों सज्जनों के बेलियो, आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब, ये जो मेरे साथ मौजूद है छोटे बच्चे मेरे अब्दुल अजीज साथी, ये सारे आपके साथ हैं। इधर एक और भी शख्सियत बैठी है तो निगाह नीचे की है, सब झुकाए बैठे हैं। यही तो है जो मेरे दिल चुराए बैठे हैं। अजीम खास के लिए इनका नाम है। अजीम खास के लिए आप खैरियत से हैं? और हमारे साथ एक और नाजरीन में आपको बताना चलूं, एक हमारा बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा फंटास्टिक मेरा दोस्त बचपन में हम गोटिया में साथ खेला करते थे, वो मेरे साथ मौजूद है। और आज जश्न आज़ादी पाकिस्तान का जो 74वां मनाया जा रहा है, हमें बड़ी खुशी है। हम सब ने और हमारे तमाम दोस्तों ने अपने घर को, अपने बच्चों को पाकिस्तान के रंग के कपड़े पहनाए हैं, अपने घर पर, घर की छत पर हमने झंडे लगाए हैं, और हम सब पाकिस्तानी है। ये आप देख सकते हैं, ये जावेद अख्तर नाज के ये सीने पर ये पाकिस्तान का झंडा, ये सब हिलाली परचम, और झंडे में झंडा नहीं है क्योंकि सीने पर लगा हुआ। तो एक और हमारे अब्दुल अजीज दोस्त साथी भाई रियान खास के लिए, अस्सलाम वालेकुम। रियान भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। हकीकत है ना हाल जी जाऊँ जाहिर करें सरी, माठ मिरन के पवे डूंगर पवन डरी, और मुँह घणो गालायो गालाए का चली। कैसे आ रहे हैं भाई आप? जश्न आज़ादी का 74वां जश्न मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने क्या तैयारी की है? बहुत सारी तैयारी की है, और हमने अभी अजीम भाई की गाड़ी तैयार करने का सोचा हुआ है, जो 14 अगस्त हम लोग जाएंगे तो झंडे वगैरह लगा लिए, गाड़ी का भी दीदार हम बाद में आपको कराएंगे। अरे वाह रे वाह। और हमने बहुत अच्छी तरह से देखो हमारे सारा ग्रुप तैयार है, इस तरह से अजीम भाई ने बहुत अच्छे हम सब ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पैसे दिए हुए, ठीक है, ताकि हम आतिशबाजी वगैरह जो भी हम अपने तरीके से अपने मुल्क की खुशहाली के लिए जो भी करेंगे, मनाने के लिए जो भी करेंगे। अरे वाह अरे वाह, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया रियान ने, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज दिया कि ये हमारी पूरी टीम, पूरी काबीना, पूरे तमाम दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, गुलाब हुसैन को आप देख रहे हैं, और ये भी पीछे जितने भी दोस्त हैं ये सारे के सारे बैठे हैं, मोहब्बत करते हैं अपने धरती से, अपने वतन से, और इन्होंने अज़्म कर रखा है। आज ये मीटिंग जो होटल में जारी है, 45 लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम सब जो ये तैयारी कर रहे हैं कि हम जश्न आज़ादी की जो खुशियाँ हैं उसमें शाना बशाना अपने कौम के साथ, मुल्क के साथ, धरती के साथ वफादारी का अहद निभाते हुए हम साथ रहेंगे।
पहले इन्होंने आतिशबाजी का सोचा, लेकिन आतिशबाजी का हमने मोहरमुल हराम की वजह से आतिशबाजी को फिलहाल कैंसिल किया है, क्योंकि आतिशबाजी इस वक्त मुनासिब नहीं रहेगी। तो फिर हमने सोचा कि हमारी तमाम दोस्तों की जो फैमिली है वो तो न्याज करेंगी, लेकिन हमने आज अभी यहाँ ये फैसला करना है कि हम 14 अगस्त के दिन एक तो अपने इलाके में झंडे तो हमने गलियों में भी लगाए, घर पे भी लगाए, लेकिन हम एक एक दरख्त अपने इलाके में ज़रूर लगाएंगे। दरख्त हमारी ज़िंदगी का असास है, हमारे मुल्क के सलामती के लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। दरख्त लगाना सदका जारिया भी है, और उसके साथ ही साथ हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग जो बहुत ही गरीब हैं, मुफलिस हैं, और कोरोना लॉकडाउन और बेरोज़गारी भूख बदहाली की वजह से जो लाचार और बेबस लोग हैं, हम कोशिश करेंगे, हम तमाम दोस्त नौजवान मिलकर अपने मुल्क और कौम के उन तमाम लोगों की निगेबानी करने की कोशिश करेंगे और उनमें राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या आप लोग सब इस बात से मुत्तफिक हैं? वसीम भाई, आप वसीम भाई आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी रिजवान भाई, आप इस बात को अपने पाए तकमील तक पहुँचाएं। जी, तो जिस तरह हमने सोचा कि इस 14 अगस्त को हम किसी गरीब की मदद करेंगे, इस तरह मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है तो हम एहतियात भी करेंगे कि कुछ गाने वगैरह तब एहतियात करें और गरीबों की मदद करें। तो अभी हम सब बैठे हैं इसी बारे में कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, तो बस अब वही चल रहा है, सब बैठे हुए हैं। जी दोस्तों, साथियों, सजनों से मिलो, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त जावेद अख्तर नाज, जिसके बारे में कहते हैं कि जुमानी चंडानी रणो जय रानी गिलरोई इंदानी इक्सर की में ट्रे सर पानी को हाजरा मानी पाएंगे मिस्टर ठाकरे। दोस्तों, साथियों, सजनों से मिलो, तमाम दोस्तों ने यह तय किया कि हम 14 अगस्त के दिन अपने मुल्क के झंडों को लहराएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम पाकिस्तानी अपने मुल्क का दिफा कैसे करते हैं, जश्न आज़ादी का खूबसूरत सा जश्न कैसे मनाते हैं, और 15 अगस्त को हम अपने मुल्क का ये झंडा ये झंडियाँ किसी भी राह पर किसी भी रास्ते में बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तमाम झंडियाँ समेट कर उनको इज्जत अदब और एहतराम के साथ साइड पर रखेंगे। और तमाम दोस्तों ने यह भी अहद किया कि हम एक एक शख्स अपने वालिद या वालदा के नाम का जरूर लगाएंगे। इस दुआ के साथ अपने दोस्त अपने भाई जावेद अख्तर नाज को इजाज़त दीजिए। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। आपका भाई आपका दोस्त इस दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं कि चलते हैं खुदा हाफिज़, चलते हैं खुदा हाफिज़, बस इतनी वफा करना मंजिल पर पहुँच जाए, बस इतनी दुआ करना। पाकिस्तान जिंदाबाद।